चलिए आज का स्पीडी का हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग चैप्टर नंबर 4 स्पीडी में। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं 2-4 दिन से इसलिए नहीं यहाँ पर क्यों याद कर रहा था क्योंकि स्टोरेज मोबाइल का भर गया था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए अब खाली कर दिए हैं अपलोड करके, तो शुरू करते हैं। पहले गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की है। मतलब कि गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ की है, तो राजकोट तथा कॉलेज की स्कूली पढ़ाई राजकोट में की है, ठीक है ना। स्कूली पढ़ाई कहाँ की है, तो राजकोट में। राजकोट में स्कूली पढ़ाई की है, ठीक है। तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की है। और कॉलेज के पढ़ाई कहाँ की है, तो श्यामल दास कॉलेज में की है, ठीक है ना। उसके बाद पिता का नाम पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे, ठीक है। राजकोट के दीवान थे, मतलब कि जो जब स्कूलियम में पढ़ रहे थे उसी समय राजकोट के दीवान थे इनके पिताजी करमचंद गांधी, ठीक है। पिताजी कहा थे राजकोट के दीवान, पिताजी राजकोट के दीवान थे, ठीक है ना। पिताजी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और वहाँ से 3 साल बाद पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। कहाँ पढ़ाई करने गए, वकालत की पढ़ाई करने गए थे। कहाँ गए थे, इंग्लैंड में। 88 में गए, 91 में आ गए। ये लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे याद है, आप लोग याद कर लीजिए। 88 में गए इंग्लैंड, 91 में आ गए। 3 साल वकालत की पढ़ाई के ऊपर आ गए। कहाँ गए, तो इंग्लैंड में जाकर वकालत पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद 91 के 2 साल बैठ के 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहाँ उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर रंग भेद का सामना ये सब कोई जानता है कि दक्षिण अफ्रीका में करना पड़ रहा था, लेकिन किसके बुलावे पर गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर। कब, 1893 में, तीनों में 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है ना। 1893 में दादा अब्दुल्ला बुलाए थे तो चले गए, ठीक है। उसके बाद ट्रेन से 5 नंबर, ठीक है। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय, कहाँ से कहाँ, जब दक्षिण अफ्रीका में सफर कर रहे थे तो ये ट्रेन से जा रहे थे। कहाँ थे, एगो डरबन जगह का नाम है, एगो प्रिटोरिया जगह का नाम है। तो डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतर गए। यहाँ पर पूछता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से कहाँ तक सफ़र कर रहे थे, तो पीटरबर्ग से डरबन से प्रिटोरिया तक सफ़र कर रहे थे। मतलब कि वहाँ कौन स्टेशन पर उनको मारकर उतार दिएगा, तो पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का देकर उतार दिएगा, ठीक है ना। ये लिखवाना नहीं पड़ेगा, ये हमको मतलब याद है, ठीक है। उसके बाद 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में, नटाल कांग्रेस की स्थापना अठारह सौ चौरानवे में, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। सत्याग्रह का प्रयोग भारत में नहीं किए थे, अफ्रीके में किए थे 1906 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग और दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किए थे, ये हमको याद है, ठीक है, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद 1915 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए, ठीक है। मतलब कि 1915 में इनको कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किए, कौन, तो अंग्रेज। जब भारत लौटे ना
उसी समय इनको कैसे रहीन से उपाधि से सम्मानित किए अंग्रेज लोग, ठीक है, इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट लोग कहते हैं भारतीय जनता, ठीक है, यो याद है इनको, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह में दिए, ठीक है ना। मतलब कि 9 जनवरी 1915 कहने के जब भारत लौटे उसी समय अंग्रेज ने इनको कैसे रहीन की उपाधि दिया, तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, आते आते बनारस के इथी में एगो भाषण दिए, कॉलेज में भाषण दिए, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में BHU में भाषण दिए आते आते, ठीक है, उद्घाटन समारोह। उसके बाद 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती का आश्रम किया, आश्रम की स्थापना किया, 1916 में याद है कि साबरमती का आश्रम का स्थापना किया 1916 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार चंपारण में किया, जो नील खेती के तीनकटिया पर से। अब पूछेगा कि पहले केवल पूछेगा कि पहले का सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1906 में अफ्रीका में किए थे, वही ना है, 1906 में अफ्रीका में किए थे। आप पूछेगा कि भारत में कब किए थे, तो 1917 में दक्षिण अफ्रीका, 1917 में हरिका चंपारण के जो नीलकठिया 20/3 नल होता था, मतलब 20/20 में 3 नील होना है, उसके लिए पहले का सत्याग्रह भारत में अपने चल किए थे, ठीक है। तीन कटिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था, ये तो मतलब मालूम है। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए, किसके आग्रह पर चंपारण आए, तो राजकुमार शुक्ल, राजकुमार अपने गांव के नाम आदमी के नाम डाल लीजिएगा, चंपारण बिहार में है, तो बिहार चंपारण में किसके कहने पर है, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दिया, ठीक है, कब दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि कब दिया, जब पहल कर आए थे चंपारण में ना, उसी समय इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दिया, ठीक है। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में बैठे, ये हमको याद है, ठीक है, अहमदाबाद में बैठे थे 1918 में भूख हड़ताल पर, ठीक है। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े, 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े, ठीक है ना, 1918 में जुड़े, कब जुड़े, किस आंदोलन, खेड़ा आंदोलन के दौरान, ठीक है, 1918 में गांधी जी से कौन जुड़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये याद है। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी सत्याग्रह लीग बनाई, और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। देखिए बहुत मतलब जो होता है 18 मार्च, ये मतलब थोड़ा डेट देख लीजिएगा, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी सत्याग्रह लीग बनाई, और 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया, कब, तो 6 अप्रैल के। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर हिंदी की उपाधि लौटा दिया, मतलब कि 5 साल बाद लौटा दिया, 15 में दिया था कैसर हिंदी की उपाधि, 5 साल बाद कहे लौटा दिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी के मतलब विरोध में इनको, मतलब इनको किसी को अच्छा नहीं लगा, तो 3 आदमी लौटाए थे, उन लोगों का मतलब अभी नाम नहीं मालूम है, केवल अभी तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, 3 आदमी लौटाए थे मुख्य रूप से, उनका लूसेंट पे दिया है। चलिए तो और उसके बाद 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बन गए, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बने, 5 नवंबर, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष 31 अगस्त 1920, ठीक है ना, 31 अगस्त 1920 को ई का बने तो खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बने, ठीक है। अगर तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया, ये चरखा अपना कब अपनाए, तो कब अपनाए, असहयोग आंदोलन के दौरान अपना चरखा अपनाए, ये असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किए थे, ठीक है। उसके बाद धीरे 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया,
नारा कब दिए एक वर्ष में स्वराज पाने के लिए नारा कब दिए, तो 5 नवंबर 1920 को, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि एक वर्ष में स्वराज चाहिए हमें, उसका नारा दिया, ठीक है, 5 नवंबर 1920 याद रखिएगा डेट 5 नवंबर 1920, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी, ठीक है, बहुत भारी गलती थी, ये ऐसा मानते हैं किसके अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार हिमालय जैसे बहुत भारी गलती है। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौराचौरी थाना को जला दिया, उसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई, कब, तो 5 फरवरी 1922 के, 5 फरवरी 1922 के, मतलब सिपाही के जला दिया सब, 22 को मर गया, बहुत बड़ा कांड हो गया चौराचौरी वाला, ठीक है। घटना के आहत होकर 12 फरवरी को दिन बाद 12 तारीख 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, ठीक, मतलब कि अब उस समय फोन थोड़ी ना होता है कि धर दे फोन लगे नहीं हो गया, अच्छा नहीं चिट्ठी उठी गया होगा तो 7 दिन टाइम टाइम लगा, तो 7 दिन टाइम लगा था, तो 5 तारीख का हुआ था फरवरी में 1922 में, 7 दिन बाद गांधी जी के पास पहुँचा, तो ये असहयोग आंदोलन कर रहे थे पूरा धूमधाम से, उसको बंद कर दिए, जब सुने कि ऐसा कांड हो गया है तो 12 तारीख के बंद कर दिए, 12 फरवरी 1922 में बंद कर दिए, ठीक है। अब देखिए तो चोरी घटना के समय वे बरदोली में थे, अब कह नहीं रहे हैं, मतलब कि वो बहुत मतलब दूर थे, चोरी गोरखपुर में हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, ऐसा हम अभी मतलब कदम देखे नहीं है बोल रहे हैं, गोरखपुर में ऐसे उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये बरदोली में थे उस समय, इसीलिए उनको 7 दिन सूचना लेने में लग गया, बरदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1924 केवल एकमात्र अधिवेशन में, एकमात्र अधिवेशन में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक वाला में, ये केवल मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में, बेलगांव अधिवेशन में केवल एक बार मात्र एक बार इक्का बने थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में, बाकी नहीं बने ऐसे ही में, मतलब ये कहा गया है कौन बने, मतलब कौन है खाली बने थे, महात्मा गांधी, और गांधी जी की गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ है, मतलब कि ये वो किताब लिखे हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनका आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनका आत्मकथा है का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ है, ठीक है ना, इनके नवजीवन में हुआ है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया, ठीक है ना। देखिए 12 मार्च 1930 को चले थे, 12 मार्च 1930 को चले थे 78 को आदमी लेके चले थे साबरमती यानी नमक तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। दांडी यात्रा का आरंभ 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी नमक कानून तोड़ा, मतलब कि शुरू किए थे 12 मार्च के और पहुँचे 6 अप्रैल के, ठीक है, वो जो जाके नमक कानून तोड़ा कौन जिला में, नौसारी जिला में जाके कानून तोड़ा, ठीक है, और बाद सभी ने आंदोलन की शुरुआत कर दी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, इसे इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्त कर दिया। देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे क्या कहते हैं इसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं। गांधी इरविन के समझौता को और कौन नाम से जानते हैं, तो एक और नाम है प्रकार में दिल्ली पैक्ट, ठीक है, ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था यानी दिल्ली पैक्ट हुआ था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया, कब सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब समाप्त किया, तो 7 अप्रैल 1934 को समाप्त कर दिए। उसके बाद हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के रहे तो घनश्याम दास बिरला, ठीक है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के रहे तो घनश्याम सिंह बिरला, ठीक है, बिरला इनका स्थापना ना बिरला
की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की, घनश्याम सिंह बिरला के स्थापना गांधी जी ने 1932 में किया, ठीक है। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ। ये पूना समझौता कह रहे हैं, पूना समझौता किन किन विषय में, महात्मा गांधी अम्बेडकर के बीच हुआ, ठीक है। कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ, यरवदा जेल में, यरवदा जेल में, ठीक है। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए, करो या मरो का नारा कब दिए, तो 1842 में दिए। गलती बोल दिए, करो या मरो का नारा 1942 में दिए, 8 अगस्त के दिए, ठीक है। 8 अगस्त के 1942 में दिए, करो चाहे मरो, चाहे के आजादी नजदीक था, जान रहे थे। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया। ओहो, जब नारा दिए करो चाहे मरो, तो नारा दे दिए, अब कुछ करेगा सब, तो एक दिन बाद माने कि बिहान होते होते 9 अगस्त 1942 के इनको बंदी बना लिया गया, चाहे लेके आगा खा पैलेस में रख दिया गया, ठीक है। गिरफ्तार कर पुणे के आगा खा पैलेस में रख दिया गया, ठीक है। 1931 में आंदोलन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्व किए थे, किया था गांधी नेतृत्व कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किए थे, ठीक है ना, ये दिया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। अगर कह देगा कि भारत से इंग्लैंड महात्मा गांधी कौन जहाज से गए थे, एस राजपूताना से गए थे, ठीक है। अगर बाद 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से सब त्याग पत्र दिया, 1934 में त्याग पत्र दे दिए गांधी जी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी को कोलकाता के नोआखली में थे। जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गया तो ये कहाँ थे, तो कोलकाता, जो ममता बनर्जी है ना, वहीं पर कोलकाता के नोआखली में थे, नोआखली में, ठीक है, नोआखली वो जगह होगा। नाथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या 30 जनवरी 1947 को बिरला भवन दिल्ली में कर दिया, ठीक है। ये तो सबको मालूम है, 30 जनवरी 1947 को कर दिया, लेकिन कहाँ किया, दिल्ली में किया था, बिरला भवन में, ठीक है। अब बीच वाला पढ़ते रहे, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, स्थान मतलब कि इनका जन्म का स्थान तो पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात में। पिता के नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी, दोनों नाम दिया है। अगर माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी के नाम कस्तूरबा बाई। गांधी जी के 4 पुत्र थे, एगो मतलब कि गोद लिए थे, तो 4 पुत्रों का नाम क्या था, 4 पुत्र हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, और उनका कुछ और नाम है मालूम नहीं है। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन, इनका एगो शिष्य थी, क्या नाम था, मीराबेन नाम था। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़े थे इधर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। मृत्यु, गांधी जी की मृत्यु कब, 30 जनवरी 1947 को हुआ, नाथुराम गोडसे ने मारा, कहाँ मारा, दिल्ली के बिरला भवन में मारा, ठीक है ना। उसके बाद अहिंसा दिवस मतलब कि इनका जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और उसके बाद शहीद दिवस इनके मरण के दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। उसके बाद जन्म, गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट, गांधी जी जहाँ मतलब कि दफनाए गए हैं उसको राजघाट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक गुरु कह देगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आई दार्शनिक गुरु का देना तो लियो टॉल्स्टॉय, इनका अंग्रेज के लिए अंग्रेज जैसा नाम है, लियो टॉल्स्टॉय दार्शनिक गुरु थे, लियो टॉल्स्टॉय। राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले कह दीजिएगा खाली, ठीक है। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए, कब गए, तो शुरू में पढ़ते 1888 से लेके 91 तक गए थे, वहाँ पर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास मतलब कि वहाँ पर प्रवास मतलब अभी तो नहीं मालूम है, लेकिन बाद में बताने, लेकिन
गांधी जी प्रवास किए दक्षिण अफ्रीका से, तो 1893 दिया है। भारत आगमन भारत में कब है, तो 9 जनवरी 1915 को है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी जवाय उसी टाइम पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाए थे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में, ठीक है, अफ्रीका में मनाया, ठीक है। भारत में सत्याग्रह का चंपारण 1917 मनाए थे। और प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन भूख हड़ताल पर रहे थे। उसके बाद महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी महात्मा टैगोर दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा का नाम दिए, ठीक है। बापू कहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस, अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल कहा था अर्धनग्न फकीर, ठीक है। उसके बाद फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। आप फिनिक्स वाला 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। उनका पुस्तक देख लो होगा हिंदू स्वराज व गुजराती 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मेरे सपनों का भारत, ठीक है। और प्रमुख समाचार इंडियन ना यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में। नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, कौन पत्रिका द्वारा, था टाइम पत्रिका द्वारा 1930 में। ख़त्म, ठीक है, बंद करते हैं अभी, ठीक है।